कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो गेन और लॉस निकाल लें, एक्सरसाइज करने का डिसीजन ले लें, लैप्स करने का डिसीजन ले लें। अगर एक्सचेंज ट्रेडेड दिया हुआ है तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालना सीखें, आपके लिए बहुत है, सेहत के लिए आपकी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन की तरह नहीं होता, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड की तरह होता है। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर में फर्क आइडेंटिफाई करते हैं कि फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। तो एक बात ध्यान में रखें कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो टेलर मेड होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? टेलर मेड होता है। फेवरेबल मूवमेंट का फायदा तो नहीं होता ना फॉरवर्ड में। नहीं सर, अच्छा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल फॉरवर्ड की तरह होता है। फर्क पता क्या होता है? इट्स एक्सचेंज ट्रेडेड। फ्यूचर कभी भी टेलर मेड नहीं हो सकता, फ्यूचर कैन नेवर बी टेलर मेड। ऑप्शन में ये दोनों चीजें मौजूद हैं, ऑप्शन टेलर मेड भी हो सकता है और एक्सचेंज ट्रेडेड भी हो सकता है। फ्यूचर कैन नेवर बी टेलर मेड, फ्यूचर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? जब मैं स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो इसका मतलब आप लोग क्या लेते हैं? स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या लेते हैं? ट्रेडेबल लिमिटेड प्री लिमिटेड करेंसी, डिफाइंड रूल्स एंड लिमिटेड करेंसी, स्पेसिफिक मेच्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट साइज इज फिक्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट साइज इज फिक्स्ड। बट फर्क क्या है? फ्यूचर जो है वो ट्रेडेबल होता है, बस ये फर्क है। और सिक्योर्ड होता है। आप कहेंगे यार ये कैसे पता लग रहा है, सिक्योर्ड का मतलब क्या? फॉरवर्ड के मुकाबले में फ्यूचर ट्रेडेबल होता है और सिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड का क्या मतलब है? सिक्योर्ड कैसे होता है? फॉरवर्ड की एक क्वालिटी है, फॉरवर्ड की क्वालिटी है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप जब भी करेंगे तो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज के साथ करते हैं। जब आप एक्सचेंज के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बीच में एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। देखिए कैसे, एक इंपोर्टर है, इंपोर्टर कौन होता है? जिसको पेमेंट करनी होती है फॉरेन करेंसी में, वो इंपोर्टर होता है। और उसका रिस्क क्या होता है? सही लिखा है? ठीक है। अब इंपोर्टर आपसे कहता है भाई मुझे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आप उस इंपोर्टर के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे? कॉल और पुट तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंपोर्टर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बाय फ्यूचर करेगा। इंपोर्टर हमेशा क्या करेगा? बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इंपोर्टर ने एक्सचेंज को कहा कि मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहता हूं, ठीक है। एक्सचेंज ने कहा किससे बाय करेगा, किससे बाय करेगा? किसी पार्टी से बाय नहीं करेगा, एक्सचेंज एक्सचेंज से। एक्सचेंज ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आपको फ्यूचर बाय करना है तो आपको एक डिपॉजिट करवाना पड़ेगा हमारे पास, जिसको कहते हैं इनिशियल मार्जिन। किसके पास जमा करवाना पड़ेगा? किसके पास? क्यों? व्हाई? सिक्योरिटी
ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। आप कहें भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों ले रहे हो, बोले अगर तुम भाग गए तो एक्सचेंज जो है ना आपसे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहा है और जो आपके ऑपोजिट पार्टी है, क्योंकि अगर आप बाय कर रहे हो तो आपके पीछे कौन है, दूसरी पार्टी क्या कर रही हो, सेल, तो वो एक्सचेंज दोनों से पैसे लेगा, आपसे भी पैसे लेगा, आपका भी एक अकाउंट अपने पास खोलेगा और उसका भी एक अकाउंट अपने पास खोलेगा। खुल गया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों, कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों, मिटिगेट द फंड कंसेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया, कॉन्ट्रैक्ट आपने इसलिए किया क्योंकि आपको लग रहा है कि फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। अगर वाकई फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो गई इसका मतलब है आपने कॉन्ट्रैक्ट ठीक किया। लेकिन अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो गई क्या आप फेवरेबल मोमेंट से फायदा उठा सकते हैं, लाइक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, नहीं उठा सकते क्योंकि इसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो एक पार्टी को तो गेन होना है, दूसरी पार्टी को लॉस होना है। अगर आपको गेन हो रहा है तो दूसरी पार्टी को क्या हो रहा होगा, बताएं बताएं जी। लॉस हो रहा है, देखें फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो गई, फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो गई, बायर को गेन होगा, बायर को गेन होगा, सेलर को लॉस होगा। एक पार्टी का गेन, दूसरी पार्टी का लॉस, एक्सचेंज बायर को भी और सेलर को भी, दोनों को बाउंड करता है। और डेली बेसिस के ऊपर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना फ्यूचर, ये होता है मार्क टू मार्केट। आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी शायद किसी की, मार्क टू मार्केट की टर्मिनोलॉजी सुनी, डेली मूवमेंट को रिकॉर्ड करना कहलाता है मार्क टू मार्केट। यानी डेली बेसिस के ऊपर गेन और लॉस डिटरमाइन किया जाएगा। क्या डिटरमाइन किया जाएगा, एक्सचेंज डिटरमाइन करेगा गेन और लॉस ऑन डेली बेसिस। फिर क्या करेगा, जिस पार्टी के पास लॉस आ रहा होगा ना, जिस पार्टी के पास लॉस आ रहा होगा उसको एक्सचेंज कहेगा जितना लॉस आपको हुआ है उतना अपने मार्जिन अकाउंट में डालो। उसको क्या कहते हैं, वेरिएशन मार्जिन। अगर पार्टी ने, दोनों पार्टीज ने अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी के ऊपर सेटल कर दिए तो ये जो मार्जिन होगा ना, ये मार्जिन रिफंड हो जाएगा। जिस पार्टी ने भी कॉन्ट्रैक्ट सेटल प्रॉपरली नहीं किया उसका मार्जिन फोरफिट कर लिया जाएगा। तो व्हाई मार्जिन क्यों लिया जाता है, इसके अंदर पर्पज क्या, मार्जिन लेने का, मार्जिन लेने का पर्पज है किसी एक पार्टी को प्रोटेक्ट करना और डिफॉल्ट करने वाली पार्टी के अगेंस्ट दूसरी पार्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो फॉरवर्ड से ज्यादा अच्छा हुआ है बुरा है, दोनों 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 बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड ज्यादा अच्छा हुआ है, ये ज्यादा अच्छा हुआ, फॉरवर्ड में डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट रिस्क नहीं है क्योंकि एक्सचेंज खड़ा हुआ है पीछे और वो वेरिएशन मार्जिन के जरिए आपका जो रिस्क अराइज हो रहा है उस रिस्क को प्रोटेक्ट कर रहा है पीछे। ये बात समझ में आती, किसी के माइंड में कोई सवाल इससे रिलेटेड, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। गेन और लॉस कैसे निकालते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे निकालते हैं, उस पर बात करते हैं। बोले जी, सर लॉस जो आपने कहा कि ये मार्जिन वेरिएशन मार्जिन के तौर पे, ये क्या जिसको लॉस हो रहा है वो जमा कराएगा, वो
जी, डेली डेली बेसिस के ऊपर। तो वो एक्सचेंज के पास जमा कराएगा मार्जिन जी उसका जी जी अकाउंट। एक्सचेंज के अकाउंट में, एक्सचेंज के पास उसने एक अकाउंट खुलवाया होगा, वहां जमा करवा। एक्सचेंज अच्छा गारंटर है बीच में, दो पार्टीज के दरमियान। अगर एक्सचेंज नहीं होगा तो कौन आपको पकड़ेगा? अगर डिफॉल्ट करके भाग गया एक बंदा और एक्सचेंज बीच में ना हो तो कौन पकड़ेगा? फॉरवर्ड में क्या होता है? फॉरवर्ड में एक पार्टी डिफॉल्ट कर गई तो आप कैसे पकड़ेंगे उसको? कौन है आपके पीछे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के पीछे कौन होगा? फॉरवर्ड सर, एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट, पास क्या पावर्स होती हैं इंप्लीमेंट करवाने के लिए, क्या कर सकता है वो? ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप सेटल नहीं करते तो एक्सचेंज ने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए तो आपसे कहा है मार्जिन अकाउंट में पैसा डाल। मैं आपको कहूं कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हम दोनों, 3 महीने तक जो भी गेन और लॉस होगा ना, तो वो गेन और लॉस डेली बेसिस के ऊपर, जिस पार्टी को गेन होगा उसका अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा, जिस पार्टी का लॉस होगा उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, उसको कहेंगे लाए लॉस कंपनसेट करें। तो फिर आपको क्या डिफॉल्ट का थ्रेट होगा? आप कहेंगे ठीक है, कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करेगा उसके मार्जिन अकाउंट को उठा लेंगे, और मार्जिन अकाउंट को उठाकर वहां से पेमेंट कर देंगे। तो ये मार्जिन जो ना फीस नहीं है, लाइक ऑप्शन प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन प्रीमियम तो फी है, मार्जिन फी नहीं है। मार्जिन क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट, ताकि आपको सर बाउंड एक्सचेंज किया जाए। जी, दोबारा बोले। क्या मिल रहा है सर एक्सचेंज, इसमें? एक्सचेंज तो फैसिलिटेटर है ना। एक्सचेंज में जो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को फैसिलिटेट करते हैं, ब्रोकर वगैरह, उनके कमीशन होते हैं। एक्सचेंज फैसिलिटेटर है, एक्सचेंज ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की मूवमेंट चलाता है, इकोनॉमिक फायदे हैं कंट्री को। तो सर रिस्क तो दोनों तरफ होगा, सेलर को भी और उसको भी। हाँ दोनों का है, लेकिन जिसको गेन होगा उसका रिस्क ही होगा, जिसका लॉस होगा उसका रिस्क है ना, वो भागेगा। सही है, आगे बढ़े। तो जस्ट कॉन्ट्रैक्ट को वो सिक्योर करने के लिए एक तरह से है ना, जी, बिल्कुल। मतलब मार्जिन लिया ही किस जैसे पर्पस के लिए जाता है? टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर ऑन वन ऑफ द पार्टी, जो डिफॉल्ट करेगी उसके लिए। सर आपने अभी ऊपर लिखा था ये कि अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होगी तो गेन सेलर को लॉस होगा। सर ये जरा जो आपने येलो से हाईलाइट किया है ना ऊपर, ये जरा समझा, सेलर को लॉस कैसे हो रहा है? अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो सेलर को तो फायदा चाहिए। मैंने क्या कहा? मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने आपको ये कहा, मैंने ये नहीं कहा एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होगा। मैंने कहा कि जो डेली मूवमेंट होगी ना, उस डेली मूवमेंट में एक पार्टी को गेन होगा और दूसरी पार्टी को क्या होगा? लॉस होगा। भाई देखिए, किसी एक को तो लॉस होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। जिसे लॉस होगा वो क्या जमा करवाएगा? वेरिएशन मार्जिन ठीक है, अब लॉस तो आपको आइडेंटिफाई करना है ना, लॉस कैसे होगा? अभी पकड़ लेते हैं लॉस, ये देखिए लॉस पकड़ते। बीच में से। जी, ये एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, जरा म्यूट करके रखें अपने। देखें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, फिर इसका गेन और लॉस निकालेंगे। ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते वक्त, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते वक्त एक फ्यूचर प्राइस डिसाइड हो जाएगी। एक फ्यूचर प्राइस डिसाइड हो जाएगी कि आपने इस प्राइस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सही है, फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया बाय फॉरेन करेंसी, बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बाय फॉरेन करेंसी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो इंपोर्टर क्या करेगा? बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सही है, अब देखिए क्या होगा। इंपोर्टर ने बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके अपने आप को लॉक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 1 USD इज इक्वल टू 160 PKR, इसमें हमने ये प्राइस लॉक कर ली कि ये फ्यूचर प्राइस है। इसमें मैं आपसे साथ 50,000 USD परचेज करूंगा, ये पाकिस्तान में किसी ने
एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 1:160 के आर के हिसाब से। एक्सचेंज रेट डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, आफ्टर वन डे या आफ्टर 5 डे एक्सचेंज रेट मूव हो गया 1 USD इज इक्वल टू 1:61 PKR। बताएं आपको लॉस हुआ कॉन्ट्रैक्ट पे या गेन हुआ? मार्केट में रेट ये चल रहा है, आपको गेन हुआ या लॉस हुआ? डॉलर एप्रिशिएट हो गया, आपको गेन हुआ या लॉस हुआ? आपने कमिट किसमें किया हुआ है? आपने किसमें कमिट किया हुआ है? 160 और मार्केट में कितने का मिलेगा? 161। तो आपने तो अच्छा कमिटमेंट की हुई है ना, फायदा हो गया आपको, आपने लॉस कम रेट में कमिट किया हुआ है, आपको फायदा हुआ, आपने कम रेट पे कमिट किया हुआ है, लॉस कैसे होगा? अगर यही कॉन्ट्रैक्ट आज मार्केट से करना होता तो कितने का मिलता? 161 देने पड़ते, आपने कितने देने? 160 PK। तो आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ? दोबारा सोचो, अच्छा ये बताएं फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हुई या डेप्रिशिएट हुई? तो फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होने का मतलब ये है कि बायर के लिए ये गेन हो गया, लॉस है क्योंकि उसने सस्ता कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, सस्ता कॉन्ट्रैक्ट किया ना। ओके, तो बायर के लिए क्या हो गया? गेन। तो सेलर के लिए क्या होगा? मार्जिन कौन जमा करवाएगा? कौन वेरिएशन मार्जिन जमा करवाएगा? सेलर। सेलर वेरिएशन मार्जिन जमा करवाएगा। अच्छा चले, मैच्योरिटी आ गई। जब मैच्योरिटी आएगी ना तो उस मैच्योरिटी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज आउट करना पड़ेगा। क्लोज आउट कैसे होगा? जो भी मार्केट रेट होगा उस मार्केट रेट के ऊपर पोजीशन रिवर्स हो जाएगी। पोजीशन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। क्या मतलब रिवर्स हो जाएगी? अगर आपने बाय करने का एग्रीमेंट किया था एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर, किस पे किया था? 160 PKR। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो भी रेट चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपका रेट चल रहा था, से सपोज मार्केट रेट चल रहा था 157, इस पे क्लोज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब? गेन और लॉस कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं आपको मैच्योरिटी के ऊपर। आपने कमिट किया था कि मैं 160 में खरीदूंगा, मार्केट में रेट क्या चल रहा है? 157। फायदा हुआ नुकसान? या तो नुकसान हो गया। क्या हुआ? लॉस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। तो ये तो वेरिएशन मार्जिन से सेटल नहीं होगा? ये देखिए, सेटल तो ये वेरिएशन मार्जिन से ही होगा। मैं तो आपको गेन और लॉस निकालना सिखा रहा हूं। अच्छा, फाइनल गेन और लॉस तो लास्ट डे पे कैलकुलेट होगा ना, उससे पहले तो ये मार्जिन के अंदर सेटलमेंट चल रही होगी। मार्जिन आखिरी दिनों के अंदर आप अपनी रिमेनिंग पेमेंट करें, कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करें, टाटा बाय बाय खत्म। सबसे जो डिफिकल्ट काम है ना वो ये डिसाइड करना है कि जो रेट दिए हुए ना इससे पकड़ते कैसे कि गेन हुआ या लॉस हुआ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। देखें पाकिस्तानी रेट चल रहा है ना, वेरी इजी,
अभी मैं इसमें कोई बाहर का रेट डाल दूं, इनडायरेक्ट कोड डाल दूं, तो ये चीज आपको कंफ्यूज कर जाएगी। तो पहले आप जरा थोड़ा सा मैकेनिज्म पकड़ें, मैकेनिज्म समझें, ठीक है। और मैकेनिज्म अगर आप समझ जाते हैं तो अल्टीमेटली आपको ये क्लेरिफाई हो जाएगा कि अब आपको गेन और लॉस कैसे डिटरमिन करना है। अच्छा, आप एक काम करें, एक थ्योरी आपको शेयर कर रहा हूँ, जरा इसको पढ़ लें। इसके भी कोई थंब रूल नहीं है जैसे उसका बैंक से लो ये पढ़ें जरा, बाय हाय पढ़ें पढ़ें, रीड दिस आउट। कोई बात लिखी हुई जो मैंने बताई थी? बिल्कुल सर, ठीक है। अच्छा जी, अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सचेंज ट्रेडेड है ना, लाइक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए आपको एक हेज सेटअप करना पड़ेगा, जैसे हमने वहां पर एक हेज सेटअप किया था, ठीक है। तो वो हेज सेटअप आप कैसे करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी आप जरा नोट करें, पढ़ लें, रीड कर लें, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चेक दिस आउट, नहीं एक सेकेंड रुकें, अगर थोड़ी सी सेटिंग आउट हो गई, दोबारा शेयर करते हैं, इसको पढ़ें एक दफा। ये फ्यूचर का हैच सेटअप है, पहला काम क्या करना है आपको, हैच सेटअप करना, यानी कि जो भी बंदा फ्यूचर में डील करने जाएगा वो ये सारे काम करेगा, एक हैच सेटअप क्रिएट करेगा। हैच सेटअप क्रिएट करने के लिए पहला सवाल क्या होगा, व्हाट इज योर एक्सपोजर। फॉर एग्जांपल ये देखें, फॉर एग्जांपल आपका एक्सपोजर है पेमेंट ऑफ यूएसडी विच इज अ फॉरेन करेंसी 10,000, कॉन्ट्रैक्ट साइज भी यूएसडी के अंदर है, बताएं क्या करेंगे, बाय फ्यूचर सेल फ्यूचर। बाय फ्यूचर, बाय फ्यूचर, वेरी गुड। क्यों क्यों बाय फ्यूचर, क्योंकि आपको फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है सर, क्योंकि आपको फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है, और कॉन्ट्रैक्ट साइज भी किसमें होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साइज भी किसमें होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साइज भी सेम करेंसी में होना चाहिए, ठीक है, फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर पोजीशन रिवर्स हो जाएगी, सही है, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके हिसाब से चलेंगे, थोड़ी देर में उस पर भी बात करेंगे। हेज सेटअप डिसाइड कर लिया, बाय फ्यूचर करना है या सेल फ्यूचर करना है, एक्सपायरी डेट कौन सी चूज करेंगे, डिफरेंट मेच्योरिटी चल रही होंगी, यूजुअली 3-3 महीने की मेच्योरिटी होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, मार्च का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट,
जून का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सितंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और दिसंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो सप्लायर है उसकी पेमेंट डेट जिस डेट से क्लोज होगी ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मसलन अगर आपको 15 मार्च के ऊपर पेमेंट करनी है तो आप जून का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना, सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे। जो आपकी डेट जिस साइकिल से क्लोज होगी वो एक्सपायरी डेट आप चूज करेंगे, नियरेस्ट एक्सपायरी, एग्जैक्ट भी हो सकती है तुक्के में। फिर क्या करेंगे, फिर क्या निकालेंगे, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बात जेन में रहे कि जो एक्सपोजर की करेंसी होनी चाहिए वही कॉन्ट्रैक्ट साइज की करेंसी होनी चाहिए, लाइक विथ लाइक होनी चाहिए, वरना ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं निकलेंगे। फिर क्या करेंगे, डिसाइड कर लिए क्या करना है, आप गए कॉन्ट्रैक्ट या एक्सचेंज से, क्या करेंगे एक्सचेंज को, मार्जिन देंगे। फिर क्या करेंगे, सेटलमेंट डेट का इंतजार करेंगे। मार्जिन क्या होगा, मार्जिन में क्या होगा, द फ्यूचर एक्सचेंज रिक्वायर्स ऑल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फ्यूचर टू पे अ डिपॉजिट टू द एक्सचेंज व्हेन दे बाय और सेल, द डिपॉजिट इज कॉल्ड एन इनिशियल मार्जिन, द मार्जिन इज रिटर्न व्हेन द पोजिशन इज क्लोज आउट। तो ये रिफंडेबल हो गया, इसमें वेरिएशन मार्जिन की मैंने कहानी आपको सुना दी। एडिशनल डिपॉजिट क्लोज आउट पे क्या करेंगे, मैच्योरिटी के ऊपर, क्लोज आउट का मतलब है मैच्योरिटी। एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्म द पोजीशन इज क्लोज आउट, दिस मींस दैट ऑन एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ट्रेडिंग पोजीशन इज ऑटोमेटिकली रिवर्स्ड, एनी प्रॉफिट और लॉस इज कंप्यूटेड एंड क्लियर्ड जिसको देना है लेना है, एंड द अंडरलाइंग कमोडिटी इज रिटेन्ड बाय द ट्रेडर, द मार्जिन इज रिफंडेड बाय द एक्सचेंज। ये उस सूरत में है जब दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी कमिटमेंट्स पूरी की तो एक्सचेंज दोनों पार्टीज को अपने अपने मार्जिन के अमाउंट सेटल कर देगा, कहेगा ये आपका मार्जिन अब वापस पकड़े, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, जिसको जो देना था उसने दिया, जिसको जो लेना था वो उसने ले लिया। सीधी सीधी टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट अगर किया जाए, दोबारा देखें पहला काम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे बाय करना है या सेल करना है, एक्सपायरी डेट चूज करेंगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे, इनिशियल मार्जिन पे करेंगे, क्लोजिंग आउट कर देंगे, वेट करेंगे, क्या करेंगे, गेन और लॉस निकलता कैसे। अगर आपको गेन और लॉस निकालना है तो गेन और लॉस कैसे निकलेगा, गेन और लॉस के लिए जो फ्यूचर प्राइस आपने डिसाइड की होगी इनिशियली उसको क्लोज आउट के ऊपर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जी आपने कितना डिफरेंस आया और उस डिफरेंस के हिसाब से हम अपनी वर्किंग करेंगे। ठीक है जी, इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है गेन और लॉस कैलकुलेट करते वक्त, टिक साइज। ये तो सर जी ऑडिटिंग के अंदर भी यूज होती है टर्म, टिक मूवमेंट, ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। टिक साइज क्या होता है, टिक मूवमेंट क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि टिक्स क्या होते हैं। ये देखेंगे, इसे रीड करें, इसे टिक कर, इसे रीड करें, ये टिक के बारे में डिस्कशन हो रही है। टिक क्या होता है, अ टिक इज मिनिमम प्राइस मूवमेंट फॉर अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी के जो वैल्यू चेंज हो रही होती है उसके अंदर जो मिनिमम मूवमेंट होती है सबसे कम वो कितनी होगी, फोर्थ डेसिमल के ऊपर जाके देखें कितनी मूवमेंट हो,
0.0001 मिनिमम मूवमेंट। मसलन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 1.7105 का, अब उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 1.7120, ठीक है, तो 7105 से लेकर 7120 कितना चेंज आया, कितनी टिक मूवमेंट हुई, तो हम कहेंगे 105 से 120 कितनी टिक मूवमेंट हुई, 15 टिक मूवमेंट हुई, सही है? और इस टिक मूवमेंट से आप गेन और लॉस कैलकुलेट करेंगे, तो ये टिक मूवमेंट निकाली जाती है ये डिफरेंस ऑफ फ्यूचर प्राइस एंड सेटलमेंट डेट प्राइस। इससे हम ये टिक मूवमेंट निकाल लेते हैं और उस टिक मूवमेंट से हम देखेंगे कि हमारा गेन होगा या हमारा लॉस होगा। टोटल टिक मूवमेंट हमें बता देगी कि गेन कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट वगैरह जो कैलकुलेट करना होगा। देखें कैसे निकलेगी, टोटल प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है, टोटल प्रॉफिट या लॉस आपको कैलकुलेट करना है ना, तो उसका फॉर्मूला बना देता हूँ मैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने आपने बाय किए या सेल किए, एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या है, नंबर ऑफ टिक मूवमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स में कितनी टिक मूवमेंट्स हुई, ये तीन चीजें अगर आपके पास आ जाएं तो आप ये निकाल सकते हैं कि हमने अगर 15 कॉन्ट्रैक्ट लिए, 20 कॉन्ट्रैक्ट लिए, 25 कॉन्ट्रैक्ट लिए, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। क्योंकि हमारे एग्जामिनर ने बेसिक्स की बातें की हुई है, तो सेटअप क्लियर होना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन हमारी क्लियर होनी चाहिए कि अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन हमारी किस तरीके से होगी। यहां तक कोई सवाल? क्विक रिकैप करते हैं। 15 अक्टूबर को हमारी आज डेट है, सप्लायर को हमें 12 मिलियन पे करने थे 20 नवंबर को, ठीक है, सप्लायर को पे करने यूएसडी में, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है वो है यूईयूआर यूरो में, तो हमने पहले क्या किया, अपने एक्सपोजर को फ्यूचर प्राइस से किस में कन्वर्ट किया, यूरो में कन्वर्ट किया, फिर यूरो को उठा के उसको कॉन्ट्रैक्ट साइज से डिवाइड किया, तो आपके पास नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बने 44.95, आपने उसको राउंड अप कर दिया 45 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, 45 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने या बाय करने, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास करेंसी कौन सी अवेलेबल थी। तो करेंसी एक्सपोजर तो क्या था, डॉलर बाय करने थे, लेकिन डॉलर तो अवेलेबल नहीं थे, तो हमने करेंसी उल्टी कर दी, सेल यूरो किए कितने कॉन्ट्रैक्ट्स 45 कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर प्राइस सेट की 1.3350 पे सेल करेंगे, जिस वक्त मैच्योरिटी आई फ्यूचर प्राइस पहुंच गई 1.3240 पे, तो सेल हाई किया हुआ है और मार्केट लो हो गई, इसका मतलब है मुझे कितनी टिक मूवमेंट का फायदा हुआ 0.011, सो आई सेल एट हायर प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा लोअर प्राइस के ऊपर, इसका मतलब मुझे फायदा हो गया 0.011। टोटल फायदा कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 45, एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज 200,000, टोटल टिक मूवमेंट 0.011, तो एज ए रिजल्ट मुझे फ्यूचर मार्केट में प्रॉफिट कितना हुआ 99,000 USD। लास्ट मेरी एक बात सुने और फिर अगली क्लास में ये करके आइएगा तो हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको फ्यूचर मार्केट में प्रॉफिट हुआ होगा तो एक्चुअल मार्केट में लॉस हुआ होगा, ये मैं लिख देता हूँ। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, अगर आपको फ्यूचर मार्केट में प्रॉफिट हुआ होगा तो एक्चुअल मार्केट में लॉस होना जरूरी है,
एक्चुअल मार्केट का मतलब है जो रियल मार्केट है जहां बाहर से ट्रांजेक्शन करेंगे। और अगर आपको फ्यूचर मार्केट में लॉस हो रहा है तो एक्चुअली मार्केट में आपको गेन होना चाहिए, क्योंकि हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली ऑफसेटिंग के लिए करते हैं। चलो इस पर काम करें।